ओके okay. लेक्चर के तीसरे पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है बच्चों है ना मैं अपने मस्ती में चला हुआ था है ना और मैं ये भूल गया कि ये जो लाइफ साइकिल कर, कर हम लोग का लाइफ साइकिल कर रहे हैं है ना बच्चों तो यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूंगा इन केस ऑफ होमोस्पोर स्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट एक्सोस्कोपिकली और स्पोर्ट जर्मिनेशन इज ऑलवेज एक्जोस्कोपिक इन होमोस्पोरोस्टेडोफाइट्स वेर एज इट इज एंडोस्कोपिक सॉरी दिस इज नॉट दैट वर्ड एक्जोस्पोरिक बच्चों सॉरी एक्जो एक्जोस्पोरिक ठीक है फिर हम यहां तक पहुंच गए थे है ना आर्चीगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने बताया था <laughs> हाँ एक बात है ब्रायोफाइट्स की तरह ही जो आर्चिगोनियम है इसके वेंटर रीजन में एक लार्ज स्ट्रक्चर सेल होता है जिसको हम फीमेल सेल बोलते हैं या ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं ठीक है बच्चों? और जो एंथीडियम है एंथीडियम बनाता है एंथीरोइड और अनलाइक द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंथीरो मल्टी फ्लेजेड होते हैं जी ई टी जी ए मल्टी फ्लेजेड स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों एंथी ठीक है बाकी जो फर्टिलाइजेशन का तरीका है जैसे ब्रायफाइट से में सेम टर्डोफाइड्स के अंदर भी रहता है सेम यहां पर भी वो गेमी है ठीक है जहां पर लार्ज फेम गेमी जो है फीमेल गेमिट जो है लार्ज इमोटाइल एग या ओवम के रूप में है और जो मेल गेमिट है वो हाईली मोटाइल है एंड मोटिलिटी मल्टी फ्लैजेला ठीक है एंड इमीजिएटली इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इट अ थिक सेल वाल

ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड मास ऑन आर्चिगोनियल नेक, अ रिजल्ट एंड फॉर मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर पासिंग ऑफ एंथी थ्रू नेरो नेक रीजन एंड दस रीचिंग फीमेल के तो ये सेम है बच्चों ठीक है अब आता है जाइगोटिक डेवलपमेंट जाइ जब एम्ब्रियो बनाएगा मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर बनाएगा और ये मल्टी स्ट्रक्चर फिर डिफ्रेंशियट हो जाता है स्पोरोट के अंदर तो ब्रायोफाइट्स की तरह ही जब ये पोस्ट पोस्टोटिक डेवलपमेंट होगा या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा ये वेंटर के अंदर ही होता है बच्चों जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं उसी तरह से कहने का मतलब बोल सकते हैं कि जो यंग स्पोरोगोनियम है वो कुछ समय तक डिपेंडेंट रहता है गेमिटोफिटिक टिश्यू के ऊपर गेमेटोफाइट के ऊपर और जैसे ही ये राइजोम बनाता है या रूट्स बनाता है उसके बाद ये अपना भोजन खुद ले, ले, लेना शुरू करता है फिर यह कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन जाता है अनलाइक द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स वेयर द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर और द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट और हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वेर एज पार्शियल और कंप्लीट हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ठीक है लेकिन यहां पर फिर ये 100% परसेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है और, और, okay? और लार्ज प्लांट क्या बताया था बच्चों एक्सोस्कोपिक होता है यहां पर ये ट्रेंड बदल जाता है बच्चों ठीक है ये मैं अगले स्लाइड से समझाने की को कोशिश करता हूं में इसका डेवलपमेंट जाइगोट का डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्कोपिक भी होता है एक्सोस्कोपिक भी होता है ठीक है? और जनरली क्या ट्रेंड पाया गया है जो फर्स्ट डिवीजन है साइलोफाइटा, पर स्कोपिक, एक्सोस्कोपिक होता है, और जो लाइकोफाइटा like के मेंबर्स में इसको मैं फिर शॉर्ट लिखता हूं एंडोस्कोपिक होता है और आर्थरो के मेंबर्स में एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जो फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा के मेंबर्स हैं जिनको हम फर्न्स बोलते हैं इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो लेटरल होता है बच्चों ये, ये याद रखना है है ना साइलोफाइटा के केस में एक्सोस्कोपिक फॉर एग्जांपल आप साइलोटम देख सकते हो ठीक है लाइकोफाइटा के मेंबर्स में एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल आप सेलेजिनेला देख सकते हो स्पिनोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा के मेंबर्स में एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल आप इक्विसिटम में देख सकते हो ठीक है और फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा के मेंबर्स में लेटरल डेवलपमेंट आप एडिएंटम में देख सकते हो तो मेरे ख्याल में इसके साथ ये होमोस्पोरस लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ बच्चों ठीक है फिर आते हैं हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल में ठीक है हेटरोस्पोरस का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल हेटरोस्पोरस बच्चों ठीक है मॉर्फोलॉजिकल हेटरोस्पोरस और मैंने बताया था आप लोगों को राशिद ने 1976 में क्या बताया था राशिद इन द ईयर 1976 ठीक है क्या बताया था कि देयर आर नाइन जेनेरा ऑफ टेरडोफाइट्स व्हिच आर हेटरोस्पोरस मैं दो एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं लिख के बताता हूं बाकी मैं सिंपली बोल के करूंगा ठीक है ताकि आपको आपने नोट कर लेना कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता हमारे स्लेबस में जो नेला है दिस इजेरपोरोडोफाइट इसके अलावा एक और है मार्सिलिया ये भी हिटेरोट है उसके अलावा है बच्चों हम बोल सकते हैं सालवीनिया फिर हमारे पास है अजोला फिर हमारे पास है आइसोइटिस ठीक है फिर हमारे पास है स्टाइलाइटिस स्टाइलाइटिस हो गए एक दो तीन चार पांच छह इसके अलावा जो बाकी तीन है ये भी लिख लेता हूं बच्चों है ना साल्विनिया, एस ए एल वी आई एन आई ए ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े एन आई ए अजोला तो ये हो गए अच्छे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बाकी है सात आठ एंड नौ सात आठ नौ इनमें एक है रेगनिलीडियम आर ई जी एन ई डबल एल आई डी आई यूएम रेग्निडियम फिर एक आठवा है एक पिलुलेरिया, पी आई एल यू एल ए आर आई ए पिलुलेरिया फिर एक और जीनस है प्लेटिमा पी एल ए टी वाई प्लेटी जेड ओ एम ए सो दीज आर दिटेरोपोरस टेडोफाइड रिपोर्टेड टिल नाउ मेरे ख्याल में तो इतने पचास साठ साल में एक होमोस्पोरस टाइप क्या ही कन्वर्ट हुआ होगा है ना? तो हम मान सकते हैं कि देर आर इन टोटल नाइन जेनरा

स्पोरोफिल 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 कैसे बनता है लीफ से ठीक है लीफ का क्या काम है फोटोसिंथेसिस करना ठीक है लेकिन कुछ समय में कुछ लीव्स का एक प्लांट के बॉडी में रोल चेंज हो जाता है वो रोल क्या चेंज होता है तो ऊपर से एक बायोलॉजिकल मैसेज मिलता है प्रकृति माँ से है ना फिर मैं मजाक के लैंग्वेज में बोलता हूं कि ये पत्ते अपने एक्सिल पे स्पोरेंजिया बनाना है कि नहीं बनाना है ठीक है तो फिर मैं बोलूंगा कि स्पोरोफिल्स आर द मॉडिफाइड लीव्स विच गिव राइज टू माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम इन इट्स एक्सिल, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स एंड द स्पोरोफिल्स Which bear megasporangium in its axil are called mega sporophylls and the sporophylls which bear or which give rise to microsporangia in its axil are called microsporophylls sporophylls मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं कुछ इमेज रखा हूँ बच्चों ये देखो ये चीड़ के कौन है मेचूर कौन आ, मेच्योर कोन ऑफ पाइनस रोक्स बर्गियाई जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे बच्चों ये भी मॉडिफाइड लीव्स हैं ये स्पोरोफिल्स हैं ठीक है ठीके? ये अपने एक्जिल पे क्या चीज बनाते हैं मेगास्पोर मेगास्पोर और जिम्नोस्पर्म्स के इस केस में क्या बोलते हैं हम इसको ओब्यूल ओब्यूल बनाते हैं ठीक है तो ये भी स्पोरोफिल्स है बच्चो दिस आर कॉल्ड मेगा वेयर एज दिस इज मेल कोन्स

टेडोफाइट्स में सब जगह में स्पोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्सिलिया है मार्सिलिया, मार्सिलिया भी एक हिटेरोट है और इसके अंदर कुछ इस तरह का एक बॉडी बनता है जिसके अंदर एसेक्सुअल प्रोसेस होता है इसको हम स्पोरोकार्प बोलते हैं तो में हमको कहीं पर भी कुछ स्पोरोफिल नजर नहीं आता है लेकिन इसका यह मतलब है बच्चों कि जो स्पोरोकार्प बनता है यह स्पोरोफिल के मोडिफिकेशन से बनता है ठीक है इसलिए यहां पर स्पोरोफिल शब्द दिया हुआ है तो खैर छोड़ो इनको जाने दो अब हम क्या करते हैं कि हाँ ये शब्द स्ट्रोबिलस हमेशा स्ट्रोबिलस जरूरी नहीं बनेगा ठीक है तो आप इसको आप छोड़ भी सकते हो आप सिंपली यह लिख सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल And microsporophyll in its axil produce microsporangium, and inside microsporangia, microspores are produced. Microspores are produced. Oh, this is it. Microspores are produced, which are male spores, and megasporophylls give rise to megasporangium in their axil, and megasporangia. Produce megaspore mother cells and megaspore mother cells undergo meiosis and they give rise to larger spores as compared to male spores. And these are thus called megaspores and these are our female spores. Now, these female spores will germinate and give rise to female gametophyte called megagametophyte, and male spores will germinate and they will give rise to. मेल गेमिटोफाइट और माइक्रो गेमिटोफाइट और मो मेल प्रोथेनस लेकिन अब एक और बात है जो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेंगे गेमिटोफाइट बनाने के लिए तो इनका जो जर्मिनेशन होता है ये हमेशा एंडोस्पोरिक होता है बच्चों ये फिर से डिटेल में बाद में कराऊंगा एंडोस्पोरिक का मतलब है कि जो गेमिटोफाइट है ये मेन स्ट्रक्चर जो है गेमिटोफाइट का ज्यादातर स्पोर वाल के अंदर रहते हुए ही बन जाता है क्यों क्योंकि जो हिटेस्पोरसटेडोफाइट है इनके अंदर जो प्रोथेलस बनेगा ये हमेशा नॉन ग्रीन होता है बच्चों नॉन ग्रीन होता है और बिल्कुल छोटा होता है एज कंपेयर टू द होमोस्पोरस टेडोफाइट्स बहुत छोटा होता है और हमेशा ये नॉन ग्रीन होता है इंपॉर्टेंट बात है ये याद रख लेना ठीक है उसके बाद फिर क्या है सिन्गेमी होगा ये तो सेम वही तरीके से जैसे होमोसपुर में हुआ था ठीक है फिर उसका जाइगोट बनेगा जाइगोट फिर आपका डेवलपमेंट शो करेगा है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हाँ, तो ये मैंने शायद बता दिया था अभी है ना जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ट्रेंड जो है थोड़ा सा अलग है के केस में है ना हिटेरोस्पोरस के केस में इसका ट्रेंड अलग जैसा है साइलोफाइटा के मेंबर्स में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो एक्सोस्कोपिक होता है लाइकोफाइटा के मेंबर्स में एंडोस्कोपिक होता है स्पिनोफाइटा या यात्रो के मेंबर्स में ये एक्सोस्कोपिक होता है और टेरोफाइटा के मेंबर्स में द डेवलपमेंट इज इज ऑलवेज सो दिस इट बच्चों मुझे लगता है अब इसके साथ लेक्चर हमारा खत्म हो गया है ना ठीक है तो जाइोट आपका स्पोरोफाइट बनाएगा और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फिर से लाइफ को कंटिन्यू करेगा और चूंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर चाहे वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो चाहे वो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो इनके अंदर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है डिप्लोइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और जो हैप्लोइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं बच्चों इसीलिए जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा टेरिडोफाइट्स में वो हिटेरोस और हिटेरो टाइप ऑफ ऑफ जनरेशन होगा जिसे ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है और जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लोडिप्लोन याप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है जैसे कि हमारा ब्रायोफाइट्स के अंदर पाया जाता है ठीक है तो मेरे ख्याल में लेक्चर है ना कंक्लूड हो गया बच्चों ठीक है लेक्चर कंक्लूड हो गया है तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ लोगे लेक्चर थोड़ा लेंथी चला गया है बच्चों ठीक है लेकिन फिर मैं गारंटी देता हूँ दोबारा बच्चों लेक्चर आप लोग अच्छे से अटेंड कर लोगे ब्रायोफाइट्स का का बहुत सारा हिस्सा हमारा स्टडी का क्लियर हो जाएगा बच्चों ठीक है इन तीन लेक्चर से तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ ठीक है बच्चों तब तक सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए बच्चों